तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को आप किस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास कितने फोन पे गिफ्ट कार्ड हैं उसको जानने के लिए, देखने के लिए आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करनी होगी। जैसा मैं यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पे टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप पे टैप करना है। यहाँ पे देखिए, आपके पास अभी 25 रुपये बैलेंस बचा हुआ है। ये फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस है। अब आपको इस पैसे को कैसे रिडीम करना है या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपको सिंपली बैक आना है होम पेज पे। ये देखिए, मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको अदर सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, अदर सर्विस पे जाना है। यहाँ पे आपको गोल्ड दिख रहा है, आपको सिंपली गोल्ड पे क्लिक कर देना है। गोल्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सिंपली बाय वन टाइम पे क्लिक करना है। आपको बाय वन टाइम पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, बाय इन रुपीज, बाय इन ग्राम्स, तो आपको बाय इन रुपीज पे ही क्लिक करना है। आपके जो भी पैसे थे, आप उतने का ही आप चाहे तो खरीद के, जैसे मेरे पास 25 था, तो मैंने 25 रुपीज का गोल्ड यहाँ मैं परचेस कर रहा हूँ, जो कि मुझे मिलेगा कितना, 0.0032 ग्राम। अब आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25 रुपए का मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आप फोन पे गिफ्ट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, जो कि मुझे कैशबैक मिला था। तो यहाँ देखिए, अवेलेबल बैलेंस 25 रुपए है। मैं सिंपली, मुझे फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को ही रिडीम करना है, तो मैं इसी से पे करूंगा। तो ये देखिए, मैं पहले पे ही टिक है ऑटोमेटिक, तो मैं इसी पहले पे ही टिक करने देता हूँ पे 25 रुपए। अब यहाँ मैं 25 रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूँ। ये देखिए, परचेस हो गया। यहाँ पे देखिए, 25 रुपए का गोल्ड परचेस हो गया। अब मैं इसको, मुझे वो देखना है, मुझे अपने बैंक अकाउंट में रिडीम करना है। तो यहाँ पे सिंपली अब व्यू लॉकर पे हम जाएंगे। यहाँ देखिए, ये जो कि करंट वैल्यू है, जो मैंने खरीदा था 23 रुपए 66 पैसे, कुछ GST में चला गया था। तो यहाँ पे अब ये देखिए, अब उसके बाद मुझे अगर इसी गोल्ड को फिर से सेल करना है, तो मुझे सेल गोल्ड पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे, नोट फॉर सिक्योरिटी रीजन, यू कैन सेल योर गोल्ड ओनली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इट्स परचेस। कि आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आपको जो भी गोल्ड आपने परचेस किया, इसके 24 घंटे बाद ही आप इसे सेल कर सकते हैं। अब 24 घंटे हो गए अब सेल करने के लिए। आपको फिर से अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे गोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, मैंने गोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, करंटली अभी 23 रुपया 57 पैसा हुआ है, और जो कि मैंने इन्वेस्ट किया था 24 रुपया 27 पैसा, अभी लॉस में चल रहा है। तो अब आपको सेल करना है, आपको अपने अकाउंट में ये पैसा लेना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे मैनेज योर लॉकर, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सेल गोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली सेल गोल्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब आप देखिए, 22 रुपया 88 पैसा आपके पास ये सेल प्राइस है। तो आपको सिंपली जो भी अमाउंट बचा हुआ है, आपको पूरा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 22 रुपया 88 पैसा सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ सेल का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपका यहाँ क्रेडिट टू आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, कि कौन से बैंक अकाउंट में जाएगा। अमाउंट विल बी क्रेडिट इन टू योर बैंक अकाउंट विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पूछा जाएगा, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका देखिए पेमेंट हो जाएगा, योर गोल्ड इज सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ आपको पेमेंट का। यहाँ पे सिंपली आप बैक जाएंगे, ये हिस्ट्री पे आपने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे गोल्ड सोल्ड हो गया, ये देखिए, और आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आ चुके हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।